सिरसा के महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का आयोजन हुआ और इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। भाई गोपाल कांडा जी ने 2009 में शुरुआत की थी इलेक्शनों में, पहली बारी सिरसा के आशीर्वाद से विधायक बने और गृह मंत्री बने, तो मेरे पास छगन लाल जी आए, कहते हमारे समाज को मान सम्मान दिलाना है, तो मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि सिरसा के अंदर अगर सिरसा से कोई जाएगा तो उसको सबसे पहले महाराणा प्रताप चौक मिलेगा नमस्कारी करके यहाँ से सिरसा के अंदर। लेकिन आज 10-12 साल पुरानी बात हो गई है, सिरसा बहुत आगे तक निकल गया है, तो इसलिए सबसे पहले अगर चौक बना था तो महाराणा प्रताप चौक सिरसा में शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये समाज हमारा आपका अपना परिवार है। भाई गोपाल कांडा जी ने कभी भी 36 बिरादरी पे राजनीति नहीं करी, उन्होंने तो 37वीं बिरादरी पे राजनीति करी है, इंसानियत की राजनीति पे बिरादरी करी पे राजनीति की है। हमेशा मेरा परिवार रहा है सिरसा, चाहे वो कोई भी बिरादरी से रहा हो, हमेशा से मान सम्मान भाई गोपाल कांडा जी ने उनको दिया है। चाहे आज इस चौक की बात थी, चाहे आज मैं एक महीने पहले गया था जयपुर के अंदर पांडे मूर्ति के सामने शाम मूर्ति, मैं महान पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति बननी देख के आया हूँ, गदली गांव में लगनी है, और ऐसा ही आज जब इन्होंने प्रकाश डाला कि उनके साथ उनके मूर्ति किसकी बताई आपने, नहीं पृथ्वीराज चौहान जी के साथ चंद्र बधाई, ये नोट करो भाई लक्ष्मण, हम उनकी मूर्ति भी साथ बनवा कर लेकर आएंगे, मैं सुबह ही जयपुर फोन करेंगे कि दोनों मूर्तियां साथ लगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी जिन्होंने एक आवाज सुनकर तीर चलाकर इतने बड़ा काम किया, बहुत बड़े थे। महाराणा प्रताप का तो आप बहुत गुणगान हुआ है यहाँ पर, सभी जानते हैं, और मैं हमेशा से ही मेरे परिवार के साथ रहा हूँ। आज मुझे बताया है कि यहाँ कोई पार्क है, महाराणा प्रताप चौक है, महाराणा प्रताप पार्क के नाम से ये बनेगा, जहाँ भी इसका खर्चा आएगा मैं कमेटी से लिखित में बड़ा सुंदर चौक बनाकर दूंगा, और हमारे बीच में मैंने हमारी चेयरपर्सन रीना सेठी जी थे उस समय, ये चौक पास भी है महाराणा प्रताप चौक के नाम से, महाराणा प्रताप पार्क के नाम से ये जो पास करवा के रखा हुआ है, लेकिन इसका सौंदर्यकरण के लिए मेरे को जो जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं इनको बुलाकर ये काम करूंगा। पीछे जब कोरोना आया तो भाई गोपाल कांडा जी ने यहाँ से 25 से लेकर 30 हजार आदमियों का खाना 40 दिन तक बनाकर इनके घर पर भिजवाने का काम किया, ऐसे हैं यहाँ के विधायक। और जब दूसरी बार कोरोना आया तो उन्होंने सोचा कि सिरसा जिला के अंदर आज इतनी बड़ी मुसीबत है, पूरे देश में मुसीबत है, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने हमेशा समाज सेवा की है, और उनका पहला आपका विधायक है सिरसा का विधायक, जहां 90 विधायकों के अंदर अगर एक ऑफिस खुलता है तो वो भाई गोपाल कांडा का ऑफिस खुलता है 24 घंटे, आपकी तन मन धन सेवा से हाजिर रहते हैं। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस खुला है तो मुझे एक भी आदमी बता दे, एक भी राजनेता का खुला है क्या, हमेशा गोपाल कांडा का खुला रहता है। किसी प्रकार की सेवा हो, राजनीतिक नहीं करते, सेवा के लिए 24 घंटे दरवाजा खुले हैं गोपाल कांडा के, हमेशा सेवा के लिए, चाहे आपका परिवार किसी भी जात से आता है, किसी भी भावना से आता है, तो भाई गोपाल कांडा हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा विधायक जिसके पास राजनीतिक भी है, समाज सेवा भी है और धार्मिक भी है, ऐसा विधायक कहीं है तो मुझे बता दो एक भी आदमी। आपके भाई गोपाल कांडा आपके साथ हमेशा तैयार रहता है तन मन धन से, और आज आपने बुलाकर बड़ा मान सम्मान दिया, राणा जी से भेंट कराई, गोगा जी से भेंट कराई, भाई साहब से सभी मंच पर विराजमान हैं, अब सबसे भेंट कराई, मैं पूरी कार्य इसकी करनी सेना की पूरी सदस्य को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा तन मन।